हाई एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ पूनम राजपूत। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है, अगेन मीशो हॉल होने वाली है। एंड मीशो में आज मैं अपनी फेवरेट 10 साड़ी जो है आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि अभी फेस्टिव सीज़न आ रहा है उसके अकॉर्डिंग मैंने बेस्ट 10 साड़ी सेलेक्ट की हैं, जिसमें रेडी टू वियर साड़ी होंगी, सीक्वेंस साड़ी होंगी एंड नॉर्मल साड़ी भी होंगी, सारी ही फेस्टिव वियर होंगी। सारी साड़ियाँ आप करवा चौथ पे ले सकते हो, दशहरा है, दीपावली है और भी बहुत सारे फेस्टिवल एंड वेडिंग के लिए भी ले सकते हो। तो बहुत ही वेरी वेरी साड़ी हैं, टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे। एंड ये सारी साड़ियाँ आपको रिसेलिंग में भी मेरे पास अवेलेबल मिल जाएंगी, तो मैं सारे रिसेलिंग प्राइस भी यहाँ पर डाल दूंगी। अगर आप मुझसे लेना चाहते हो तो ले सकते हो, स्क्रीन शॉट लेना है, इंस्टाग्राम पर देना है। एंड बहुत ही मीशो से भी कम प्राइस में आपको ये सारी साड़ियाँ मेरे पास से मिल जाएंगी, विद इन 7 डेज में आपके पास पहुंच जाएंगी। कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल नहीं है, COD मतलब आपको नहीं मिल सकती, तो इसलिए आपको पेमेंट पहले ही करना होगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं अपनी फर्स्ट साड़ी जो मैंने सेलेक्ट करी है, वो है ये सिल्क टाइप के क्लॉथ में एंड बेस्ट साड़ी है। इस तरह के शेड बहुत सारे आपको मिल जाएंगे इसमें। कलर मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारे कलर आप लोगों के साथ शेयर करे हैं, लेकिन आज के हॉल में मैं आप लोगों को ये वाला शेड दिखाने वाली हूँ, जो मुझे काफ़ी पसंद आया है, जो कॉफ़ी कलर का शेड है नीचे एंड बीच में लाइट कलर का है एंड ऊपर ऑफ वाइट कलर का है। बहुत ही प्यारी सी साड़ी है ये, इस तरह की साड़ी है, सीक्वेंस वर्क में है। एंड सबसे बड़ी इसकी जो बेस्ट क्वालिटी है कि इस पे जो सीक्वेंस वर्क है ना, वो ट्रांसपेरेंट सीक्वेंस वर्क है, तो इसको आप नाइट के साथ साथ डे में भी पहन सकते हो। बहुत सारी सीक्वेंस की साड़ी सिर्फ आप नाइट में पहन सकते हो, डे में नहीं पहन सकते। टोटल साड़ी इसी तरह की है, कोई भी चेंजेस नहीं है, पूरी साड़ी पर इस तरह से पाइपिंग मिलेगी है, पीछे की साइड बहुत अच्छे से लगाई गई है। एंड इसमें कलर ऑप्शन अगर आपको चाहिए तो मीशो पे आपको बहुत सारे कलर ऑप्शन मिल जाएंगे। बेस्ट साड़ी है ये, हाईली रिकमेंड है, इसमें कोई भी कमी मुझे नहीं लगी, इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ आज शेयर की है। अंदर से जो है आपको इतना पोर्शन प्लेन मिलेगा, इतना सा सिर्फ, जो कि अंदर आ जाएगा, बाहर नहीं दिखेगा। इसका जो ब्लाउज़ पीस है वो भी ठीक क्वालिटी का है, मतलब बहुत बेकार पीस आ रहे हैं वरना नहीं, इसका जो ब्लाउज़ पीस है बहुत अच्छा है। ये है जो कलर नीचे था ना साड़ी में, सेम कलर का 80 सेंटीमीटर का ब्लाउज़ है, अच्छे से आपका ब्लाउज़ बन जाएगा एंड क्लॉथ क्वालिटी भी अच्छी है इसकी। सेकंड साड़ी जो हमने सजेस्ट मैं आप लोगों को करूँगी वो ये है, रेड कलर की है, नेट में है, अगर आप नेट में कुछ ढूंढ रहे हो ना तो रेड कलर में बहुत प्यारी सी साड़ी है ये एंड मुझे काफ़ी पसंद आई एंड आप लोगों को भी बहुत पसंद आई थी जब मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, काफ़ी पहले शेयर की थी अभी नहीं। ये नेट में साड़ी है एंड इस तरह का वर्क है, कट वर्क में है ये डिज़ाइन जो है ना, यहाँ पे इस तरह से ये कट वर्क में आएगा, जो कि बहुत प्यारा लगता है। एंड रेड जो है इसका कलर जो है टमाटो रेड कलर है, तो जैसे कि करवा चौथ आ रही है या फिर दीपावली वगैरह है, तो ये बहुत ही प्यारी लगने वाली है। ऊपर से लाइट वेट है, बहुत ज़्यादा वेट नहीं है, तो ईजिली आप कैरी कर सकते हो। बीच बीच में इस तरह से बूटियाँ मिलेंगी, इस तरह से मोर टाइप में जो बनाई जाती है ना वो, और इस एम्ब्रॉयडरी के ऊपर ना नग भी लगे हुए हैं, आप देखो बहुत अच्छे से नग लगे हुए हैं। और पूरी साड़ी इसी तरह की है ये, अंदर से कुछ पोर्शन आपको प्लेन मिलेगा, से आपको लगभग इतना मीटर, जो 1 मीटर के लगभग प्लेन मिलेगा, उसके बाद जो प्लीट्स पोर्शन आएगी उस पर हाफ पे ये वर्क आएगा, और जो मतलब प्लीट से प्लीट पे पूरी पे हाफ पे वर्क आएगा एंड उसके बाद जो टर्न होके आती है वहाँ से फुल पे ये वर्क होगा, बीच में ये एंड ऊपर नीचे ये वाला बॉर्डर। तो साड़ी जो है बहुत प्यारी है, हाईली रिकमेंड है, मुझे पर्सनली ये साड़ी बहुत ज़्यादा प्यारी लगी है एंड पहनने के बाद जो इसका लुक आएगा ना बहुत अच्छा आएगा। एंड ये लाइट वेट है, लाइक गर्ल्स भी पहनेंगी ना तो भी उनको हैवी नहीं लगेगा, बहुत ही प्यारी साड़ी है। इसका जो ब्लाउज़ है वो इसी में दिया हुआ है, जो कि इधर की साइड दिया हुआ है ये आपको, एंड इस पे जो ब्लाउज़ पे है ना वर्क दिया हुआ है, ऐसे आप देखो बैक पे ये वर्क दिया हुआ है एंड स्लीव्स पे भी थोड़ा सा वर्क दिया हुआ है एंड जो है फ्रंट आएगा प्लेन नेट का, इसी के अंदर है ये। तो बहुत ही प्यारी साड़ी है, नेट की क्वालिटी भी मीडियम क्वालिटी है, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है एंड बहुत ज़्यादा हल्की भी नहीं है, तो ये साड़ी भी हाईली रिकमेंड है। जितनी भी साड़ियाँ मैं दिखा रही हूँ आज की, वो हाईली रिकमेंड ही है। बेस्ट पीस मैं लेके आई हूँ, जितने भी अभी तक का मेरा कलेक्शन है उसमें जो मेरे बेस्ट पीस हैं वो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। नेक्स्ट साड़ी है सीक्वेंस में एंड ये है मेहंदी कलर में, बहुत ही प्यारा इसका जो कलर है ना वो इस साड़ी को और ज़्यादा गजब बना रहा है, मतलब इतना प्यारा सा कलर है, बहुत ही ज़्यादा। इस पर जो सीक्वेंस वर्क है वो सेम कलर से है, इसलिए इसको भी आप डे एंड नाइट दोनों में पहन सकते हो। कुछ साड़ियाँ होती है जिस पर डिफरेंट कलर का या फिर गोल्डन कलर का वर्क होता है, वो सिर्फ आप नाइट में ही पहन सकते हो। पूरी साड़ी आपको इसी तरह की मिलेगी, सीक्वेंस वर्क में मिलेगी, जॉर्जेट इसका क्लॉथ मिलेगा, बहुत ही प्यारी साड़ी है एंड पहनने के बाद इसका ना लुक बहुत अच्छा आएगा। कलर इतना प्यारा है कि बहुत डिफरेंट लुक आपको देगा, तो आप किसी भी फंक्शन के लिए इसको ले सकते हो, शादी पार्टी के लिए ले सकते हो, दीपावली वगैरह के लिए ले सकते हो या फिर करवा चौथ के लिए भी ले सकते हो। बहुत ही प्यारी साड़ी है, पूरी साड़ी इसी तरह की है, पूरी पे इस तरह से पाइपिंग मिलेगी,
ये आप देखो अच्छे से लगाई गई है पाइपिंग, पूरी साड़ी इसी तरह की है सीक्वेंस वर्क में। अंदर से जो है ज़्यादा पार्ट प्लेन नहीं मिल रहा है, सिर्फ इतना पार्ट लगभग 1 मीटर का प्लेन मिलेगा, बाकी फिर पूरी साड़ी पे ओवरऑल साड़ी पे इसी तरह का उल्टी पकड़ी हुई है मैंने इसी, फिर ओवरऑल साड़ी पे आपको इसी तरह का सीक्वेंस वर्क मिल जाएगा। तो ये साड़ी भी बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है, हाईली रिकमेंड है। इसका जो ब्लाउज पीस है वो भी मीडियम क्वालिटी का है, बहुत ज़्यादा बेकार नहीं है एंड बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है। 80 सेंटीमीटर का ब्लाउज पीस है, सिल्क में है एंड इसी कलर का है। ये साड़ी बहुत प्यारी है, अगर आपको पसंद आए ना तो बिना सोचे आप ले सकते हो। नेक्स्ट साड़ी थोड़ी सिंपल में मैंने आप लोगों के लिए रखी है, हो सकता है बहुत सारे लोग ना जैसे दिवाली है काम भी करना पड़ता है एंड साड़ी भी पहननी होती है, उस तरह की साड़ी है जिसको आप पहनोगे ना लेकिन आपका लुक बहुत अच्छा आएगा। ये आप देखो लहरिया प्रिंट में ये साड़ी है, कुछ भी नहीं है इस पर, सिर्फ ये प्रिंटेड साड़ी है। पूरी साड़ी पे इस तरह का लहरिया प्रिंट आपको मिल जाएगा। कलर आप देखो, दीपावली जैसे कि हल्की सी विंटर आ जाएगी तो इस तरह के कलर बहुत प्यारे लगते हैं इस तरह की लहरिया में, एंड कलर देखो आप इसके बहुत प्यारे हैं। प्रिंटेड साड़ी है, जॉर्जेट इसका क्लॉथ है, जॉर्जेट अच्छा वाला है। बस पूरी साड़ी पर ट्रेंगुलर शेप में इस तरह से समोसा वाली बोलते हैं आई थिंक इसको, समोसा वाली लेस लगी हुई है जो कि बहुत प्यारी लग रही है, लुक बहुत अच्छा देगी। तो ये है साड़ी, जॉर्जेट इसका क्लॉथ है, बहुत अच्छी साड़ी है। अगर आप लेना चाहते हो ना सिंपल में, आपको मतलब काम भी करना है एंड साड़ी भी पहननी है, तो उस तरह की साड़ी है, बहुत अच्छी है, लुक बहुत अच्छा आने वाला है, मतलब कलरफुल लुक आएगा, लेकिन लाइट वेटेड साड़ी है। ब्लाउज पीस इस तरह का मिलेगा, अच्छी क्वालिटी का है, 80 सेंटीमीटर का है इतना। ये जो भी ओरिजिनल प्राइस होगा और जो वैसा प्राइस होगा दोनों मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी, रिसेलिंग प्राइस भी मेंशन कर दूँगी मेरी तरफ से जो ऑफ़र प्राइस है। लाइक इतने सारे फेस्टिवल आ रहे हैं तो ऑफ़र मेरी मुझे भी देना बनता है, तो ऑफ़र प्राइस मेरी तरफ से भी है, अगर आपको मुझसे लेनी है तो ले सकते हो। इसका ब्लाउज़ थोड़ा सा कम है, 70 सेंटीमीटर है इसका ब्लाउज़ पीस, हो सकता है आप में से कुछ लोगों का ना बने कुछ लोगों का बन जाए, और इस तरह से लेस लगी हुई है तो इसको आप देख लीजिए, ब्लाउज़ थोड़ा सा कम है, बस 70 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट साड़ी अगेन मुझे बहुत 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 ज़्यादा प्यारी लगी, लेकिन ये थोड़ा विंटर में ही आप पहन सकते हो क्योंकि ये वेलवेट में है साड़ी, वेलवेट एंड जॉर्जेट दोनों में है, लेकिन वेलवेट ज़्यादा है इसमें, हाफ वेलवेट एंड हाफ जॉर्जेट है। ये साड़ी जो है अभी विंटर आ रही है, जैसे कि आपके यहाँ कोई फंक्शन है या फिर करवा चौथ तक तो हल्की सी विंटर आ ही जानी है, तब आप ले सकते हो। एंड ये साड़ी पार्टीज़ में भी आपको ठंड भी नहीं लगेगी एंड लुक भी बहुत अच्छा देगी। एंड वेलवेट आप लोगों को पता है बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, विंटर में फिर से दोबारा से ट्रेंड में आने वाला है, आई एम 100% श्योर, क्योंकि विंटर में मैं पिछले लास्ट टाइम भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड करा था वेलवेट, एंड वेलवेट के सॉल वगैरह भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये जो साड़ी है ना हाफ, तो आपको पल्लू साइड में इस तरह की मिलेगी वेलवेट में, ये साड़ी बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी लगेगी पहनने के बाद। एंड पूरी साड़ी पे सीक्वेंस वर्क का बॉर्डर मिलेगा इस तरह का, तो ये पल्लू साइड का पोर्शन है इस तरह का, एंड ये जो है ना हाफ साड़ी इस तरह की मिलेगी आपको, एंड हाफ साड़ी फिर मिलेगी अंदर की साइड जॉर्जेट में, जो कि प्लीट्स पोर्शन वाला पार्ट है ना वो जॉर्जेट में मिलेगा, एंड सेम बॉर्डर मिलेगा नीचे की साइड, ये इतने पे ये वाले स्क्वायर में सीक्वेंस वर्क मिलेगा, एंड सीक्वेंस जो है गोल्डन कलर में है, एंड ऊपर तक इस तरह से बीच बीच में बूटियाँ हैं, हाफ तक हैं ये, ऊपर से थोड़ा सा प्लेन है, तो इस तरह का पोर्शन है। 1 मीटर साड़ी जो है अंदर से प्लेन मिलेगी, उसके बाद ये सीक्वेंस वर्क स्टार्ट हो जाएगा जो कि काफ़ी प्यारा है, जो कि नीचे नीचे है, नीचे नीचे भी नहीं ऊपर तक है, बस थोड़ा सा पोर्शन प्लेन है, बाकी सारे पे इस तरह का वर्क है ये। तो हाफ साड़ी आपको जॉर्जेट एंड हाफ साड़ी ये वेलवेट में मिलेगी, जो कि काफ़ी प्यारी साड़ी है, एंड ये शादी फंक्शन में बहुत प्यारी लगने वाली है, एंड ऑफर प्राइस में आपको ये बहुत ही अच्छे ऑफर में मेरी तरफ से भी मिल जाएगी एंड मीशो पे भी मिल जाएगी। अगर आप लेना चाहते हो तो ये साड़ी बेस्ट पीस है, आप ज़रूर लीजिएगा, बहुत ही अच्छी साड़ी है। नेक्स्ट मैं फेस्टिवल एंड वेडिंग के लिए आप लोगों को सजेस्ट करूँगी ये लहंगा, जो कि मतलब हाईली से भी हाईली रिकमेंड है। इतना प्यारा लहंगा है ये, इतना प्यारा पीस है ना, जो कि आपको स्टाइलिश लुक भी देगा एंड लहंगे का लुक भी देगा, मतलब एक डिफरेंट सा ही लुक देगा। ऐसा लहंगा मुझे नहीं लगता लोकल मार्केट में आपको मिलेगा, क्योंकि ये कुछ डिफरेंट सा ही लहंगा है। ये 3 पीस में है, ये अंदर की जो चोली टाइप में है उसके ऊपर ये जैकेट है, और जो कि ये लहंगा है, ये है जो काही कलर होता है ना डार्क ग्रीन कलर, वो है। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी चोली दिखाऊंगी, जो अंदर का पोर्शन आएगा वो ना ये है, एम्ब्रॉयडरी देखो आप कितनी प्यारी सी है, एंड ऊपर से इसका कलर और ऊपर से कलरफुल एम्ब्रॉयडरी, ओ माय गॉड। इस तरह की स्ट्रिप्स में कुछ अंदर का ब्लाउज़ पीस मिलेगा आपको, मतलब ब्लाउज़ मिलेगा, फुली स्टिच है ये लहंगा, कुछ भी स्टिच कराने की आपको ज़रूरत नहीं है, इस तरह का मिलेगा। एम्ब्रॉयडरी आप देखो कितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ है, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ एम्ब्रॉयडरी है। सीक्वेंस वर्क भी है इसके ऊपर, बैक से बिल्कुल प्लेन है,
बहुत ही प्यारा है। और टेंशन मत लीजिए, अगर आप स्ट्रिप्स के साथ नहीं कंफर्टेबल हैं तो ऊपर से इसके साथ जैकेट मिल रही है। एंड अगर आप स्ट्रिप्स के साथ तो आप इसको भी पहन सकते हो, बिना जैकेट के पहन लीजिए एक बार जैकेट के साथ, तो आपके दो लुक क्रिएट हो जाएंगे। इसके ऊपर जो जैकेट मिलेगी आपको वो मिलेगी ये, बहुत ही प्यारी सी जैकेट है, बहुत ज़्यादा। आप देखो इस तरह की, ये भी एम्ब्रॉयडरी के साथ है, बहुत हैवी एंड बहुत फिनिशिंग के साथ ये एम्ब्रॉयडरी है। जॉर्जेट इसका क्लॉथ है और ये इस तरह से, एंड पूरी स्लीव्स पे भी एम्ब्रॉयडरी है इस तरह की, आगे इस तरह का बॉर्डर है, फ्रंट से ये जैकेट ओपन है इस तरह से आप देखो, एंड लॉन्ग में जैकेट है तो आपका स्टमक भी नहीं चमकने वाला, क्रॉप टॉप जैसा ही लगने वाला है। तो ये है इसकी चोली। अब मैं इसका लहंगा दिखाती हूँ जो कि और भी ज़्यादा प्यारा है। लहंगा है ये, फुली स्टिच लहंगा है इस तरह का, आप देखो ये 38 तक आपको इजीली आ जाएगी, काफ़ी हेल्दी भी हो आपको तब भी आ जाएगी। एंड प्लीटेड में है ये लहंगा जो है ना, प्लीटेड पोर्शन में, मतलब प्लीटेड उसमें है, जैसे साड़ी आ रही है ना प्लीटेड उस तरह का। एंड इसका घेर भी बहुत अच्छा है, यहाँ से ये इस तरह से है और नीचे जाके ना इसमें एक फ्रिल लगी हुई है, अगर आप देख पा रहे होंगे इस तरह से ये फ्रिल लगाई हुई है। तो ये लहंगा बहुत प्यारा, आगे से पीछे तक पूरा प्लेन है एंड इस पर हैवी जो है ऊपर की चोली आएगी, तो ये लुक वाइज बहुत अच्छा लगने वाला है। बहुत ही प्यारा सा लहंगा है। इनर की क्वालिटी कि अगर मैं बात करूँ तो बहुत अच्छा इनर लगाया गया है, एंड केन के लिए ना ये बॉर्डर लगाया गया है जो कि काफ़ी अच्छा फ्लेयर देगा। और अच्छा फ्लेयर आपको चाहिए तो आप केन स्कर्ट इसके साथ वेयर कर सकते हो, तब भी बहुत अच्छा आएगा। लेकिन इसमें केन नहीं दी हुई है, लेकिन केन का बॉर्डर दिया हुआ है जिससे हल्का सा फ्लेयर आ जाता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये हाईली से भी ज़्यादा हाईली रिकमेंड है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही प्यारा पीस है। नेक्स्ट साड़ी जो है हमारी ये है, इसका कलर देखो सबसे पहले आप, बहुत ही प्यारा सा कलर है, मिरर वर्क में है ये साड़ी, एंड ये बेस्ट साड़ी है, इसमें इतनी सी भी कमी नहीं है। मतलब अगर आप खरीदोगे ना लाइक आपको 100% पसंद आएगी इस तरह की साड़ी। इसका क्लॉथ भी बहुत अच्छा है, हल्का सा मतलब चिकना वाला क्लॉथ है, हल्की सी शाइन वाला क्लॉथ है, बहुत ही प्यारी साड़ी है। एंड पूरी साड़ी पर अगर आप देखोगे ना मिरर वर्क है, एम्ब्रॉयडरी के साथ मिरर वर्क है। एंड फिनिशिंग की अगर मैं बात करूँ ना तो लाइक आप बोलोगे नहीं ये मीशो की साड़ी है, इतनी अच्छी इसमें अंदर फिनिशिंग है, क्योंकि मीशो के क्लॉथ में कुछ फिनिशिंग की कमी होती है, ये मैं आप लोगों को बोलूँगी, लेकिन इस साड़ी में बिल्कुल भी नहीं है। मुझे यकीन नहीं होता कि मैंने मीशो से ही ली है तो बहुत ही प्यारी साड़ी है, कलर बहुत प्यारा है। पूरी साड़ी पर इस तरह का जो है मिरर वर्क की लाइनिंग मिल जाएगी, एंड एम्ब्रॉयडरी भी है इसके ऊपर से, बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ है। बॉर्डर पर आप देखो इस तरह का बॉर्डर है, पाइपिंग लगी हुई है, पाइपिंग बॉर्डर सा ही लगाया हुआ है, एंड ये फॉल्स नग लगे हुए हैं यहाँ पे। तो ओवरऑल साड़ी पर इसी तरह का वर्क मिलेगा। अंदर की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 1 मीटर साड़ी आपको प्लेन मिलती है, और उसके बाद जो है हाफ साड़ी पे नीचे नीचे की साइड ये ही वर्क मिलेगा मिरर वर्क का, और जो प्लेट्स पोर्शन है उस पर, एंड जो टर्न हो के पोर्शन आएगा उस पर ये वर्क फुल पे है इस तरह से। तो ये साड़ी बहुत प्यारी है, हाईली रिकमेंड है। पूरी पे मिरर वर्क है, फॉल्स मिरर जो होता है ना वो वाला वर्क है, बट साड़ी बहुत प्यारी है, लुक वाइज बहुत प्यारी लगने वाली, पहनने के बाद लुक बहुत अच्छा आएगा। इसका ब्लाउज इसमें इधर की साइड ही दिया हुआ है, ब्लाउज प्लीस बिल्कुल प्लेन है, बस हल्का सा जो किनारी पे बॉर्डर है ना साड़ी के, सेम बॉर्डर इस पे दिया हुआ है, और ये हल्के से नग लगे हुए हैं। तो ये साड़ी भी बहुत प्यारी है, अगर आपको पसंद आए ना आप बिना सोचे ले सकते हो, हाईली रिकमेंड साड़ी है ये। नेक्स्ट साड़ी हमारी रेडी टू वियर साड़ी है, ब्लू कलर की, बहुत ही प्यारी है फंक्शन के अकॉर्डिंग। एंड ये साड़ी मैं आप लोगों के लिए इसलिए शेयर कर रही हूँ, रेडी टू वियर साड़ी मेरे पास बहुत सारी मिल जाएंगी, लेकिन ये जो साड़ी है ना इसकी लेंथ वगैरह भी बहुत अच्छी है। ज़्यादातर साड़ियों में लेंथ की प्रॉब्लम आती है, बट ये साड़ी लेंथ के अकॉर्डिंग बहुत प्यारी है। 5'2" 5'3" अगर आपकी हाइट है ना तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, 5'1" है तब भी आ जाएगी, मेरी 5'1" है जबकि मुझे काफ़ी बेस्ट लगी। लहंगा साड़ी है ये, बहुत ही ज़्यादा प्यारी है, लाइक अगर आप पहनोगे ना बहुत ही अच्छा लुक आएगा। ये जो साड़ी है ना बेल्ट वाली साड़ी है, ऊपर से लहंगा साड़ी है, ये आपको इस तरह के उसमें मिलेगी, लिकरा इसका क्लॉथ है, एंड नेट भी है, एंड सीक्वेंस वर्क भी है, बहुत ही प्यारी साड़ी है। इसको आप किसी भी फंक्शन में बहुत अच्छे से कैरी कर सकते हो। इधर आपको आएगा अंदर की साइड जो ये आएगा, ये अंदर की साइड जो आएगा ये लिकरा क्लॉथ है, उसके बाद ये पोर्शन आएगा, ये आप देखो ये कुछ लहंगे का स्टाइल देगा आपको इस तरह से, आप देखो ऊपर ब्लू है एंड नीचे जो है कलियाँ चौड़ी हो गई हैं, तो ये लहंगे का लुक आएगा। इसकी लेंथ बहुत सही है, अगर 5'1" 5'2" तक आप हो ना तो ये आपको बहुत सही आ जाएगी, छोटा नहीं पड़ेगा, लंबा भी नहीं पड़ेगा, जो कि ज़्यादातर साड़ियों में लेंथ की इशू आता है रेडी टू वेयर में, कट करानी पड़ती है। बाकी ये लिकरा क्लॉथ में ही, बाकी फिर प्लेन आएगी, और उसके बाद ये पल्लू पोर्शन आप देखो कितना प्यारा सा है, ये रियल वाले नग लगे हुए हैं,
ये जो तीन लाइन है रियल नेक की एंड ये सीक्वेंस की पट्टी जा रही है इस तरह से है। बहुत ही प्यारी साड़ी है, बहुत ही हैवी, हाईली रिकमेंड है ये, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। एंड पूरी साड़ी पे ना नीचे भी आपको ये बॉर्डर मिलेगा सीक्वेंस वर्क का। ब्लू कलर है इसमें, कलर ऑप्शन आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। एंड ये साड़ी है, इस ब्लाउज़ जो है फुल रेडीमेड है इसका भी, मतलब रेडी टू वियर वाला ही है, तो ब्लाउज़ भी फुल रेडी है। इस तरह का ऊपर नेट मिलेगा, नीचे सीक्वेंस वर्क मिलेगा, बैक पे भी इस तरह से नेट मिलेगा और नीचे सीक्वेंस वर्क मिलेगा। पैडेड ब्लाउज है, इस तरह से पैड दिए हुए हैं, ये पैड वाला ब्लाउज है। एंड स्लीव्स की मैं बात करूँ तो स्लीव्स इसमें नहीं दी हुई हैं। अगर आपको स्लीव्स वाला ही पहनना है तो आपको अलग से नेट लेके आप स्लीव्स लगवा सकते हो, नॉर्मल नेट इस तरह का ले लीजिए एंड स्लीव्स लगवा लीजिए, कोई इशू नहीं है। ये साड़ी हाईली रिकमेंड है, लेकिन मेरी तरफ से इसमें इतनी सी भी कमी नहीं है। अगर आपको लगे ना कि लाइक लेंथ ज़्यादा आती है, ये आता है जो कि नॉर्मल रेडी टू वेयर साड़ी में होती है, वो इसमें नहीं है। तो ये साड़ी हाईली रिकमेंड है, अगर आपको पसंद आए ना तो आप बिना सोचे ले सकते हो। नेक्स्ट साड़ी ये है हमारी, जो कि काफ़ी प्यारी है एंड मुझे मतलब बहुत अच्छी लगी। ये ना सेलिब्रिटी स्टाइल में, आई थिंक किसी सेलिब्रिटी ने पहनी हुई थी। तो ये साड़ी जो है ना इस तरह की है, इसका जो पल्लू पोर्शन है ना बहुत हैवी है, बहुत वेटेड है। तो थ्री शेड, ये पहले पल्लू पोर्शन ही मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखो थ्री शेड में है, वन शेड बीच में कुछ इस तरह का शेड आएगा एंड नीचे कुछ इस तरह का शेड आएगा। एंड ये जो साड़ी है ना इस पर ये जो ये लगे हुए हैं ये बहुत वेटेड कर रहे हैं इसको। तो ये पल्लू पोर्शन है, आप देखो ये ना जो जॉइंट जहाँ हुए हैं उस पर ये लगा हुआ है, ये आप देखो तो ये काफ़ी वेटेड है। एंड आपको आवाज़ से भी पता चल रहा होगा कुछ भारी सा लगा हुआ है ये, अगर आप देख पा रहे होंगे ना कुछ इस तरह का है ये, जो कि काफ़ी प्यारा लग रहा है। अंदर की साइड से बहुत ज़्यादा लाइट वेट है क्योंकि नेट की है, नेट है इस तरह का। एंड नीचे की साइड ये सीक्वेंस वर्क मिल जाएगा इस तरह का, एंड स्टार्टिंग से ही है, कोई प्लेन वर्क इसमें नहीं है, हाफ एंड हाफ में साड़ी है, नीचे सीक्वेंस वर्क है। बट इसमें थोड़ी सी कमी ये है कि यहाँ पे कुछ बॉर्डर वगैरह नहीं दिया, जो कि उठा उठा हो रहा है, जो आपको यहाँ पे लगवाना पड़ेगा। कुछ लेस वगैरह सी अगर आप लेते हो तो लगवा सकते हो, बट बहुत प्यारी साड़ी है। नीचे से आपको बहुत लाइट वेट मिलेगी क्योंकि नेट में है, इस तरह की साड़ी है, सीक्वेंस वर्क नीचे नीचे है। एंड यहाँ से ये इस तरह की साड़ी स्टार्ट हो गई है, जो कि बहुत हैवी एंड बहुत प्यारी लगने वाली है। तो ये साड़ी भी हाईली रिकमेंड है, अगर आपको पसंद आए ना आप ले सकते हो। नेक्स्ट साड़ी जो है हमारी लहंगा साड़ी है। लहंगा साड़ी के लिए मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है एंड ये मेरी हाईली रिकमेंड यानी फेवरेट साड़ियों में से एक है। इस साड़ी की अगर मैं बात करूँ तो ये लहंगा साड़ी है, कलर इसका वाइन टाइप में कलर है, जैसा वाइन कलर ही आई थिंक इसका कलर, या फिर पर्पल में भी बहुत डार्क सा कलर जो बोल सकते हो, बट ये आई थिंक वाइन कलर है। ये जो है लहंगा साड़ी बेल्ट वाली साड़ी है, बस आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे बेल्ट लगानी है। साड़ी नेट में है बट बहुत प्यारी है, ऊपर से इस तरह की मिलेगी, ये प्लीट्स डली हुई है, बहुत हैवी, मतलब लाइक इसको जब आप पहनोगे ना आपको लहंगे वाला ही स्टाइल मिलेगा, बिल्कुल प्रॉपर लहंगा मिलेगा, बीच में इस तरह का है। एंड ये ना अगर आप फ्लिपकार्ट पे सर्च करोगे तो बहुत कॉस्टली है, मैंने सर्च करी थी, बट ये मीशो पे काफ़ी कम प्राइस में है एंड रीसेलिंग में ऑफ़र में आपको और कम प्राइस में मिल जाएगी। ऊपर प्लेन नेट, बीच में इस तरह का, ये आप देखो इसमें कितना अच्छा सा सीक्वेंस, बड़े सीक्वेंस, छोटे सीक्वेंस एंड फर टाइप में कुछ लगा हुआ है, जो कि बहुत प्यारा लुक देगा। एंड नीचे इस तरह से फिर नेट है, ये आप देखो तो बहुत ही प्यारा सा, इसकी लेंथ वगैरह भी बिल्कुल सही है, अगर थोड़ी बहुत आती भी है ना तो ये ऐसे नेट है जो आप कटवा सकते हो, बहुत अच्छे से कट जाएगा। तो ये इस तरह की साड़ी है, कुछ नहीं करना आपको, ऐसे बेल्ट लगा लेनी है और उसके बाद जो है ऊपर का जो पल्लू पोर्शन आएगा वो लिकरा क्लॉथ में आएगा इस तरह का। आप देखो फुल रेडी टू वियर है एंड यहाँ पे भी ये प्लेट्स ना रेडी हैं पल्लू की, बिल्कुल कुछ भी नहीं करना, लाइक आपको ऐसे लाके और लगा लेना है। तो बहुत हाईली रिकमेंड साड़ी है ये, इसमें ना अगर करवा चौथ के लिए आप लेते हो ना तो बहुत प्यारा, मतलब लहंगे का स्टाइल आएगा एंड साड़ी का स्टाइल दोनों का आने वाला है। हाईली रिकमेंड है, मीशो पे भी आपको मिल जाएगी ऑफर प्राइस में, मेरे पास से भी आप देख सकते हो। इसका ब्लाउज पीस प्लेन है, लिकरा क्लॉथ में मिल जाएगा, ये है 80 सेंटीमीटर का ब्लाउज पीस, जो कि अच्छे से आपकी साड़ी बन जाएगी। ये साड़ी भी हाईली रिकमेंड है एंड ये था आज का हमारा हॉल जिसमें मैंने बेस्ट साड़ियाँ आप लोगों के साथ शेयर की हैं। एंड आई होप कि ये हॉल जो है आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा एंड आप लोगों के लिए बहुत 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 ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि ये सारी ही साड़ियाँ मेरी तरफ से हाईली रिकमेंड है। आप किसी भी फंक्शन के लिए, किसी भी वेडिंग के लिए, किसी भी फंक्शन जो आ रहे हैं, फेस्टिवल्स आ रहे हैं, उनके लिए ले सकते हो। एंड इनकी पूरी डिटेल आई थिंक मैंने दे दी है, ट्राई ऑन भी आपको मिल जाएगा मेरी तरफ से जो ऑफ़र प्राइस है स्पेशल फेस्टिवल के लिए, तो आप मुझसे लेना चाहते हो तो ऑफ़र प्राइस भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एंड मीशो से लेना चाहते हो नो इशू, मीशो पे भी है सारे
लिंक मैं आपको अवेलेबल कर दूंगी, तो आप मीशो से भी ले सकते हो। एंड और भी कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो कैसा लगा है हॉल, तो वो भी कमेंट बॉक्स में पूछिए। एंड इतनी मेहनत करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। एंड आज के लिए इतना ही, एंड इंस्टा पर मुझे फॉलो ज़रूर कीजिएगा बहुत सारी रील्स देखने के लिए, इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है वो भी सॉल्व हो जाएगी आपकी। तो इंस्टा पर मुझे फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। मिलूंगी आपसे एक अच्छी सी वीडियो के साथ, आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय।